नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर हम आपके बीच हैं। बता दें आपको कि ये खबर न सिर्फ ग्वालियर चंबल बल्कि मध्य प्रदेश की राजनीति का रुख बदल सकती है। जी हां, पंजाब केसरी के सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। बता दें आपको कि ग्वालियर से अनूप मिश्रा को जो है वो कांग्रेस टिकट दे सकती है। जी हां, टिकट कांग्रेस दे सकती है और अनूप मिश्रा कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि बीजेपी के संस्थापक रहे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भतीजे अनूप मिश्रा कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल ये चर्चा बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन बीजेपी की तीसरी लिस्ट में जब अनूप मिश्रा का नाम शामिल नहीं हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं से जो नाराजगी जगजाहिर थी वो अब खुलकर सामने आने लगी है और इंतजार है कांग्रेस की पहली लिस्ट का। उम्मीद की जा रही है कि पहली लिस्ट में ही अनूप मिश्रा का नाम शामिल हो सकता है। ये चर्चा लंबे वक्त से दिग्विजय सिंह के साथ चली आ रही थी, लेकिन जब लिस्ट में बीजेपी के नाम नहीं आया तो अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस के टिकट से वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो पूर्व मंत्री रहे रुस्तम सिंह भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। मुरैना से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पहले बीजेपी से मंत्री भी रहे हैं, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद ये उम्मीद थी कि अब उनको बीजेपी रिपीट नहीं करेगी और ऐसा हुआ भी है, जिसकी वजह से अब उनका भी मोह भंग हो गया है बीजेपी से और आने वाले चुनावों के लिए वो कांग्रेस की तरफ हाथ बढ़ा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या ये दोनों दिग्गज अगर कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में आते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान हो सकता है और कांग्रेस के लिए कितने फायदेमंद साबित हो सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है पंजाब केसरी के सूत्रों के हवाले से वो ये है कि 14 अक्टूबर तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि दोनों दिग्गज नेता, चाहे हम बात करें रुस्तम सिंह की जो मुरैना से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं और वहीं अनूप मिश्रा की बात करें तो वो भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। और किसी ऐसी वैसी सीट से नहीं, बता दें आपको कि जो मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह तोमर, उनके मुकाबले कांग्रेस की तरफ से अनूप मिश्रा खड़े होंगे और कितना नुकसान पहुंचाएंगे बीजेपी को या कितना फायदा कांग्रेस को होगा, ये देखने वाली बात होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।